सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका तीसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। यह गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक या व्याकरण पुस्तक से नहीं है, क्योंकि ये अपठित गद्यांश है। बच्चों, हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है। अपठित गद्यांश का अर्थ, अपठित का अर्थ जो पहले ना पढ़ा गया हो। गद्यांश का अर्थ गद्य का अंश, अर्थात गद्य का वह अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो उसे गद्यांश कहते हैं। बच्चों, गद्य का वह अंश गद्यांश कहलाता है जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा होता है। ओके, तो गद्य का वह अंश जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा है वह गद्यांश कहलाता है। अब हम गद्यांश के बारे में कुछ बातें जानेंगे। अपठित गद्यांश को पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। अपठित गद्यांश में आए कुछ मुख्य शब्दों वाक्यों को रेखांकित भी किया जा सकता है। प्रश्नों के उत्तर सही भाषा में दीजिए। बच्चों, हमें सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसके अर्थ को समझना चाहिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमें उत्तर उसी आधार पर देने चाहिए। गद्यांश में आए कुछ मुख्य शब्दों और वाक्यों को हम रेखांकित भी कर सकते हैं। प्रश्नों के हमें सही उत्तर देने चाहिए और सही भाषा में हमें उत्तर लिखते समय उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अब हम गद्यांश पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि गद्यांश में हमसे क्या कहा गया है। उसी आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक था दर्जी, उसका नाम था असलम। उसकी एक दुकान थी, दुकान के सामने से एक हाथी रोज नदी में नहाने जाता था। एक दिन असलम ने हाथी को एक रोटी दी। उस दिन से हाथी रोज दर्जी की दुकान पर रुकने लगा। वह खिड़की में से सूंड उधर बढ़ाता और दर्जी रोज उसे रोटी देता। एक दिन असलम को शरारत सूझी, उसने रोटी की जगह सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत बुरा लगा, वह उस समय कुछ न बोला, चुपचाप नदी पर नहाने चला गया। पर लौटती बार वह अपनी सूंड में खूब सारा गंदा पानी भर लाया। दर्जी दुकान में बैठा कपड़े सिल रहा था। हाथी ने आकर उस पर सारा गंदा पानी छोड़ दिया। दुकान में रखे सारे कपड़े खराब हो गए। अब असलम अपनी शरारत पर बहुत पछताया। बच्चों, अब हम इस गद्यांश को एक बार और पढ़ेंगे। एक था दर्जी, उसका नाम था असलम। उसकी एक दुकान थी, दुकान के सामने से एक हाथी रोज नदी में नहाने जाता था। एक दिन असलम ने हाथी को एक रोटी दी। उस दिन से हाथी रोज दर्जी की दुकान पर रुकने लगा। वह खिड़की में से सूंड उधर बढ़ाता और दर्जी उसे रोटी देता। एक दिन असलम को शरारत सूझी, उसने रोटी की जगह सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत बुरा लगा, वह उस समय कुछ न बोला, चुपचाप नदी पर नहाने चला गया। पर लौटती बार वह अपनी सूंड में खूब सारा गंदा पानी भर लाया। दर्जी दुकान में बैठा कपड़े सिल रहा था। हाथी ने आकर उस पर गंदा पानी छोड़ दिया। दुकान में रखे सारे कपड़े खराब हो गए। अब असलम अपनी शरारत पर बहुत पछताया। बच्चों, हमने इस गद्यांश को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर ढूंढेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, दर्जी का क्या नाम था? उत्तर, दर्जी का नाम असलम था। प्रश्न 2, दुकान के सामने से कौन रोज नदी में नहाने जाता था? उत्तर, दुकान के सामने से हाथी रोज नदी में नहाने जाता था। प्रश्न 3, एक दिन किसको शरारत सूझी? उत्तर, एक दिन असलम को शरारत सूझी। प्रश्न 4, दुकान में रखे क्या खराब हो गए थे? उत्तर, दुकान में रखे सारे कपड़े खराब हो गए थे। प्रश्न 5, असलम हाथी को रोज क्या खिलाता था? उत्तर, असलम हाथी को रोज रोटी खिलाता था। बच्चों, हमने गद्यांश को पढ़कर सभी प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ लिए हैं।
बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपठित गद्यांश अच्छे से समझ में आ चुका है। यदि आपको अपठित गद्यांश से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।